नमस्कार, मैं उदिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च, दिन सोमवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आमिर सुबहानी को मिली बिहार में नई जिम्मेदारी। जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति, जल्द करें आवेदन। बिहार को मिल सकती है एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा राष्ट्रीय नाटक अकेडमी पुरस्कार से होंगे सम्मानित। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला प्रदेश का मौसम। रेलवे से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत यहां करें दर्ज, तुरंत होगी कार्रवाई। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में झूमते नजर आए धोनी। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असिस्टेंट के पदों पर झारखंड हाईकोर्ट में निकली भर्ती। असिस्टेंट के पदों पर झारखंड हाईकोर्ट में भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख 22 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री हासिल की हो, साथ ही टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आमिर सुबहानी को बिहार में मिली नई जिम्मेदारी। अभी हाल में ही खबर आई थी कि बिहार के मुख्य सचिव पद से आमिर सुबहानी ने VRS ले लिया था। अब जानकारी सामने आ रही कि आमिर सुबहानी को नीतीश सरकार द्वारा नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। खबर थी कि बीपीएससी के अध्यक्ष आमिर सुबहानी को बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष पद से रिटायर्ड हुए थे और अतुल प्रसाद के रिटायरमेंट के बाद अभी तक ये पद खाली था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये जिम्मेदारी आमिर सुबहानी को मिल सकती है। लेकिन नीतीश सरकार ने आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगले 5 वर्ष या 65 वर्ष होने तक आमिर सुबहानी इस पद पर बने रहेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आज के दिन वर्ष 1921 में हुआ था। ये प्रेमचंद युग के बाद के आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक है, जिसे प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु समकालीन ग्रामीण भारत की आवाज को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उन्हें आंचलिक उपन्यास की शैली में माध्यम से और उन अग्रणी हिंदी लेखकों में रखा गया है जिन्होंने क्षेत्रीय आवाजों को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में लाया। रेणु बंगाली उपन्यासकार सतीनाथ भादुरी की बहुत करीबी सहयोगी थे। रेणु को तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी ने 21 अप्रैल 1970 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी। जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति, जल्द करें आवेदन। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों को हर महीने बिहार बोर्ड की देखरेख में 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर महीने 1000 रुपये के हिसाब से 2 साल में इन्हें कुल 24,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दिए जाएंगे। बता दें कि 10 मार्च तक इस निःशुल्क कोचिंग में पढ़ने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, अब वे इसका फायदा उठा सकते हैं। योग्य बच्चों का चयन प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त तैयारी के लिए होगा। इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार को मिल सकती है एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दे सकते हैं। ये ट्रेन राजधानी पटना से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई जाएंगी। ट्रेन का संचालन पटना से कटिहार और किशनगंज होकर किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के संचालन से कम समय में सीमांचल के लोगों को पटना आने की सुविधा मिल सकेगी। 6 मार्च को पीएम मोदी बेतिया में आने वाले हैं। उम्मीद है कि यहां जनसभा के दौरान वे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएं। आपको बता दें कि जोगबनी न्यू जलपाईगुड़ी का उद्घाटन पीएम मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से किया था। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किशनगंज रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। आज क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। आज बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार पटना में करने वाले हैं। इस दौरान वे क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे ऑफ बिहार को प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि ऐसे दीर्घकालिक रणनीति इससे पहले देश के किसी भी राज्य द्वारा विकसित नहीं की गई थी। इस उद्घाटन के दौरान 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से करने वाले हैं, जहां भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यहां शामिल है।
इस दौरान एक एकीकृत डैशबोर्ड का भी अनावरण प्रदेश के सभी 543 ब्लॉक कार्यालय में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए सीएम नीतीश द्वारा किया जाएगा। बिहार की बेटी मनीषा रानी को झलक दिखलाजा सीजन 11 की ट्रॉफी के अलावे मिला ये इनाम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रसिद्ध हुई बिहार की बेटी मनीषा रानी झलक दिखलाजा सीजन 11 के ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस शो में मनीषा रानी ने वाइल्ड कार्ड से एंट्री पाई थी और वाइल्ड कार्ड से एंट्री पाने वाली ये पहली ऐसी कॉम्पिटिटर है जिन्होंने झलक दिखलाजा में ये ट्रॉफी अपने नाम किया है। मनीषा रानी को विनर की ट्रॉफी के साथ साथ 30 लाख रुपए का चेक भी मिला है। साथ ही इन्हें यस द्वीप अबू धाबी की टूर का टिकट भी दिया गया है। बिहार के मुंगेर की रहने वाली बेटी ने ट्रॉफी जीतने के बाद कहा कि मैं जजों और दर्शकों के प्यार समर्थन और प्रोत्साहन की आभारी हूं। मुझे पता था कि यह अनुभव मेरे जीवन को बदल देगा और ये वास्तव में बदल गया। रेलवे से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत यहां करें दर्ज, तुरंत होगी कार्रवाई। हमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी यात्रा का सबसे आसान और सुविधाजनक साधन ट्रेन है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे भी कई तरह के साधन उपलब्ध करवाता है। इसी कड़ी में यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए रेलवे ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है रेल मदद। कई बार रेलवे से जुड़ी कई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो यात्रियों को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसी के लिए रेलवे द्वारा ये ऐप बनाया गया है। रेल मदद में शिकायत दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करके इसमें रजिस्टर्ड करना होगा। फिर यहाँ आने के बाद अपने कंप्लेंट का प्रकार चुनकर यहाँ पर अपने शिकायत को दर्ज करें। परेशानी आपको रेलवे के किस कंपार्टमेंट में हो रही है और किस चीज से हो रही है उसकी एक तस्वीर भी खींच कर अपलोड कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट दर्ज करते ही कुछ ही समय बाद आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा राष्ट्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार से होंगे सम्मानित। भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा इस इंडस्ट्री में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। इनकी गायकी हर किसी को पसंद आती है। भरत शर्मा बिहार में बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड स्थित नागपुरा के रहने वाले हैं। भरत शर्मा को लेकर खबर आई है कि इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी बिहार कला एवं संस्कृति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मिली है। भरत शर्मा ने अपने गायकी की शुरुआत वर्ष 1971 से की थी। उनके प्रसिद्ध गानों में जैसे अइले मोर सजन व राम न बिगरहिए जेकर आदि प्रसिद्ध गाने शामिल हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलालगढ़ किला के बारे में। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित लगभग 300 वर्ष पुराना दुर्ग है जो वर्तमान में खंडहर स्थिति में है। ये पूर्णिया नगर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में है। जलालगढ़ किला अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन ये किला एक और बात के लिए काफी मशहूर है। कई सारे किले गोलाकार के आकार में होते हैं, लेकिन जलालगढ़ का किला गोलाकार के रूप में नहीं बल्कि चतुष्कोणी के रूप में है। और यही इस जलालगढ़ किले की खासियत है। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें नेपाल से होने वाले हमलों से अक्सर बचाया करती थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस किले को हिंदू और इस्लाम दोनों ही वास्तुकला में बनाया गया है। सन 1999 में इस किले को धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया था और अभी तक ये पर्यटन का स्थल बन चुका है। राज्यपाल के विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में बैठक की है। इस दौरान राज्यपाल द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर सत्रों के एकेडमिक कैलेंडर, लंबित परीक्षा और स्नातक सत्र 2024 से 28 में नामांकन आदि की समीक्षा की गई तथा इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विश्वनाथ आलेकर द्वारा कहा गया कि कुलपति के साथ साथ विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी तथा प्रतिकुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि को भी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बिहार में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। बिहार के उद्यमियों को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और डाक विभाग का मिलेगा साथ। बिहार के उद्यमियों को मदद करने के लिए डाक विभाग और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मिलकर काम करने वाले हैं। बिहार उद्यमियों की मदद करने के लिए दोनों के ही बीच जल्द ही समझौते होंगे। आपको बता दें कि बिहार के उद्यमियों को डाक विभाग के निर्यात केंद्र से जोड़ा जाएगा। वहीं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मदद से मिथिला पेंटिंग से बने उत्पाद, कृषि उत्पादन, पारंपरिक कला और शिल्प से बने उत्पाद, कपड़े आदि का कारोबार कर रहे उद्यमियों को चिन्हित किया जाएगा। फिर उनके उत्पादों को विदेशी बाजार तक डाक निर्यात केंद्र से पहुंचाया जाएगा। इस प्रक्रिया में कस्टम क्लियरेंस का झंझट भी नहीं रहेगा। डाक विभाग में ही कस्टम क्लियरेंस का काम हो जाएगा।
पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए किया ऐलान, आसनसोल से नहीं लड़ेंगे चुनाव। भोजपुरी के जाने माने स्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर रविवार के दिन एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार शाम को जारी की थी। इन उम्मीदवारों की लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम शामिल था, जिसमें से पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल सीट का उम्मीदवार बनाया गया था। साइबर अपराधियों को पकड़ने में गया पुलिस को मिली सफलता। साइबर अपराधियों को पकड़ने में गया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल साइबर क्राइम करने वाले 5 अपराधियों को गया के SSP आशीष भारती के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद SSP आशीष भारती द्वारा बताया गया कि बीते वर्ष गया जिले के गुरारू थाना के बहबलपुर गांव के रहने वाले एक वादी द्वारा साइबर थाने में लिखित शिकायत कर मामला दर्ज करवाया गया था कि उनके बैंक खाते से अवैध रूप से 2,48,000 रुपए की निकासी हुई है। इस मामले को पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया और फिर छानबीन की कार्रवाई तेज की गई। मामले को लेकर पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। SSP द्वारा बताया गया कि इन साइबर अपराधियों का मुख्य सरगना उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। राज्य के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर। बिहार के कई हिस्सों में पंजाब के पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने चक्रवात से अधिकतर जिलों में हल्की बारिश की स्थिति रही। प्रदेश के कई जगहों पर तो ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई थी। हालांकि आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है, तो कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। आज मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने वाला है। विपक्षी दलों की महारैली में तेजस्वी यादव और लालू की हुंकार। बीते ही दिन पटना के गांधी मैदान में राजद और विपक्षी दलों की महारैली देखने को मिली। इस महारैली के दौरान तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में हम नौकरी देते रहे, वहीं 2020 के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार कहा करते थे कि कहां से देगा नौकरी, अपने पास से पैसा लाकर देगा, लेकिन जिस नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में नौकरी नहीं दी उन्हें उन्हीं के हाथों से 17 महीने के कार्यकाल के दौरान हमने लाखों लोगों को नौकरी दिलवाई। 17 महीने में हमने बहुत सारे काम किए, अब नीतीश चाचा पलट गए। वहीं तेजस्वी ने PM मोदी को लेकर कहा कि PM मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे पिता रेलवे मंत्री रहते जितना काम रेलवे के फायदे के लिए किए उतना आज तक कोई रेल मंत्री नहीं कर पाया है। आगे तेजस्वी ने कहा कि मेरे पिता भाजपा के आगे कभी नहीं झुके हैं, ना झुकेंगे। वहीं इस मौके पर लालू यादव ने PM मोदी के बार बार परिवारवादी टिप्पणी को लेकर कहा कि मोदी जी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि अरे भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ। 6 मार्च के PM मोदी के बेतिया दौरे को लेकर सम्राट चौधरी ने दिए जानकारी। बीते ही दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चंपारण जिले में बेतिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने चंपारण जिले को बिहार का मुकुट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया आ रहे हैं, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी के बेतिया दौरे की तैयारी की जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता रैली की तैयारी में जुटे हैं। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि 1947 से 2014 तक 70,000 करोड़ रुपए कभी खर्च नहीं हुए, यह साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों में कर रहे हैं। आज रेलवे सेक्टर में 70,000 करोड़ की योजना बिहार में चल रही है। राहुल गांधी ने RSS और भाजपा को हटाकर इंडिया की सरकार बनने का किया दावा। महागठबंधन की जनविश्वास रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस रैली में उन्होंने भाजपा और RSS पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में से तूफान शुरू होता है और यहां से तूफान देश के दूसरे राज्यों तक जाता है। बिहार देश की राजनीति का सेंटर है और बदलाव की शुरुआत बिहार से ही होती है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देश से BJP और RSS को हटाकर इंडिया की सरकार बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश में नफरत क्यों फैल रही है। नफरतों का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। देश के प्रधानमंत्री 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। भाजपा नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने जनविश्वास महारैली को बताया फ्लॉप।
बीते दिन पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की जन विश्वास महारैली देखने को मिली। अब इस रैली को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद द्वारा तंज कसा गया है। निखिल आनंद ने लालू तेजस्वी के इस रैली को फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के खत्म होने का शोक गीत गाया है। आपको बता दें कि जन विश्वास रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। दिन में लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राबड़ी देवी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेज प्रताप यादव समेत और भी कई नेता शामिल थे। एनडीए सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी का दावा, 13 मार्च तक बिहार में एनडीए के सीट का बंटवारा हो जाएगा। आपको बता दें कि ये बात हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सेकुलर द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जीतनराम मांझी द्वारा बताई गई है। जीतनराम मांझी द्वारा कहा गया है कि हम अभी ये नहीं कहेंगे कि कौन सी पार्टी कितना सीट लड़ेगी, लेकिन एनडीए में 13 मार्च तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव के बाप की पार्टी वाले बयान पर जीतनराम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि माई के साथ बाप की पार्टी बोल तो दिए, हम कहेंगे कि वह भाई भौजाई बहन बहनोई की पार्टी बना ले, लेकिन उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। हम लोग 400 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे। आज आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका की होगी सुनवाई। बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया कांड मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस मामले में आनंद मोहन की सजा को मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। मामले को लेकर दिवंगत अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया द्वारा याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 14 साल जेल में रहने के बाद उन्हें पिछले ही साल बिहार के सहरसा जेल से रिहाई मिली थी। टेक कंपनियों को एआई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मंत्रालय से लेनी होगी इजाजत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टेक कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एआई के दुरुपयोग को लेकर मंत्रालय ने आलोचना भी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां देश में अपने एआई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सरकार से मंजूरी लेंगे। इसके साथ ही इंटरमीडियरीज को एडवाइजरी का तत्काल पालन करने के लिए कहा गया है और 15 दिनों के अंदर एक्शन कम स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मंत्रालय का कहना है कि सभी प्लेटफॉर्म को सलाह दी जाती है कि वे एआई के कारण यूजर्स को होने वाले नुकसान, गलत सूचना, विशेष रूप से डीप फेक संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में झूमते नजर आए धोनी। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी के दौरान जामनगर में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी पहुंचे थे। इस पार्टी में वे आकाश अंबानी के साथ डांडिया खेलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होता दिख रहा। इस वीडियो में एमएस धोनी ब्रावो के साथ भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पार्टी में धोनी के साथ साथ उनकी पत्नी साक्षी भी शामिल हुई थी। पार्टी के दौरान एमएस धोनी बॉलीवुड के जाने माने कलाकार सलमान खान, रणवीर सिंह और भी कई सितारों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पश्चिम बंगाल में 1788 में कलकत्ता गजट का पहला प्रकाशन हुआ था। ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लैंडली और मोहनदास करमचंद गांधी जी को सन 1931 में भेंट, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सर्वाधन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा की थी। नई दिल्ली में सन 1991 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। राजस्थान के पोखरण में 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया था। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन सर्वनाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1856 में अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री तोरु दत्त का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का 1939 में निधन हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। काफी मददगार है व्हाट्सएप का ये शानदार फीचर। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके जरिए हम अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कनेक्ट कर पाते हैं। आज हम आपको व्हाट्सएप के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने दोस्तों या अन्य लोगों को किए गए पुराने मैसेज को महज कुछ सेकेंड में ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस मैसेज को ढूंढने के लिए जरूरी है कि आपको उस किए गए मैसेज की तारीख याद हो। अपने पुराने किसी भी मैसेज को ढूंढने के लिए आपको उनके चैट में जाना होगा जहां आपने मैसेज किया था। उसके बाद स्क्रीन पर दाएं साइड में दिए गए 3 डॉट के बगल में सर्च ऑप्शन मिलेगा। इसे क्लिक करते ही इसके बाद यहां पर कैलेंडर का आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप अपने डेट को सिलेक्ट करके अपने मैसेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नरपतोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है,
राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह कहाँ पे शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। किस विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन बी है बिहार यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन डी है राजस्थान विश्वविद्यालय ने। इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। भारत और किसने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। देश की पहली एकीकृत और सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना डगमारा परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में कहां पर तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है सुपौल, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दरभंगा और सुपौल दोनों। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, अमरजीत कुमार, पूनम कुमारी, राजीव कुमार, लवकुश कुमार, नौसाद राजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, गौरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजेश कुमार यादव, सादुल्ला पालवी, श्याम नारायण झा, रवि कुमार राम, शुभम कुमार राम, रामजीत कुमार, गोनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है बदलते मौसम के साथ आपके क्षेत्र में बारिश हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।